मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है और नया मामला मुंब्रा में कोरोना संक्रमित का सामने आया है इंसा नगर से। यहां कोरोना पॉजिटिव एक महिला है जो अजमास अस्पताल में नर्स का काम करती थी। बताया जा रहा है कि टीएमसी अधिकारी एक हफ्ता पहले इस नर्स को क्वारंटाइन किए थे, मगर जब इस नर्स की रिपोर्ट आई तो इसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इंसा नगर के केजीएन अपार्टमेंट में ये महिला नर्स रहती थी। आपको बता दें कि अलमास कॉलोनी में स्थित अलमास अस्पताल के डॉक्टर सिद्दीकी को भी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाया गया था और आज मनपा के अधिकारियों ने केजीएन अपार्टमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्ती में रहने वाले मुफ्ती अशरफ को भी कोरोना पाया गया था, मगर अब मुफ्ती अशरफ अस्पताल से पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस लौट आए हैं, या यूं कहें कि कोरोना को मात देकर अपने घर वापस आए हैं। मुफ्ती अशरफ को घर पहुंचने के बाद लोगों ने ताली बजाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। अस्पताल से घर लौटने के बाद मुफ्ती अशरफ ने क्या कहा है, सुनिए। आज अल्लाह के फजल करम से मैं नियॉन हॉस्पिटल जो डोंबिवली के अंदर है, मुझे वहाँ से डिस्चार्ज मिला और रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई। बस मैं अपने पूरे मुंब्रा वासियों से और तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब इंसान हॉस्पिटल के अंदर होता है और जब इसको तकलीफ होती है तो इसको मैं लफ्ज़ों बयान नहीं कर सकता। आपकी फैमिली किस पोजीशन में है, आपकी छोटे बच्चे किस पोजीशन के अंदर हैं। मैंने हॉस्पिटल के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखा कि उनको देखता था तो मेरा आँख से आंसू निकलता था। इसीलिए हम लोग इस बीमारी को छोटी बीमारी ना समझें, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, टीएमसी के ऑफिसर्स, महानगर पालिका के ऑफिसर और जैसे हमारे सीएम साहब उद्धव बाला साहब हमें गाइड कर रहे हैं, हम डिस्टेंस बना के रखें और लोगों और रूल्स को फॉलो करें और जो लोग बिला वजह बाहर जा रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ कर हम दरख्वास्त करें कि विनती करें कि आप घर के अंदर रहें। और रमज़ान का मुबारक महीना है, हम दुआ करें लोगों से कि अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क भारत हिंदुस्तान को कोरोना वायरस से बचाए और पूरे दुनिया को कोरोना वायरस से बचाए। जहां एक तरफ मुंब्रा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है, तो वहीं अब तक कई लोग ठीक होकर घर वापस भी लौट आए हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।